प्रदेश भर में टीकाकरण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही की जा रही है और कई तस्वीरें भी देखने मिल रही हैं, जहां 200 टीके लगवाने के लिए 2000 लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम खंडवा जिले के पुनासा का है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर हजारों की संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की कमी है। इस दौरान सेंटर पर कोविड नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि सुबह से शाम हो जाती है लेकिन टीका नहीं लग पाता है। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद दराड़े ने। वैक्सीनेशन उम्मीदों का टीका जिसको लगाने के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भीड़ उमड़ रही है। ग्रामीण अंचलों में टीका लगाने के लिए हम देख रहे हैं भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में टीके पहुँचने के कारण यहाँ पर कई लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। पहला डोज, दूसरा डोज जान बचाने के लिए सभी लगाने के लिए आ रहे हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। वो यही टीकाकरण के टीके नहीं आने से और बड़े दिनों बाद टीके लग रहे हैं और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। पुनासा तहसील में आज 20 जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं और 2000 से ज़्यादा डोज लगाए जा रहे हैं, लेकिन डोज सीमित मात्रा में और कम मात्रा में आने के कारण आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन केंद्रों में भीड़ भी उमड़ रही है और सभी को टीका नहीं लग रहा है। सभी लोगों की प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द टीके लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीके पहुँचे और ज़्यादा ज़्यादा टीकाकरण हो, जिससे कोरोना से बचने में ग्रामवासी और जनता बच सके। ऐसे भारत रिपोर्टर के लिए आनंद राड़ी की रिपोर्ट।